भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आ गए मैं कौन नई वीडियो में। आज हम फिर से खेले जा रहे हैं फ्री फायर कस्टम रूम मैच। तो आज हमारा कस्टम होने वाला है, इस तरफ है आयुष और अंकित विंग और इस तरफ हूँ मैं आयुष और ओपी राजा। तो देखते हैं भाई कौन क्या जीतेगा। मतलब मेन कंपटीशन तो है अंकित विंग और ओपी राजा के बीच में। तो चलो देखते हैं कौन जीतने वाला है इस कस्टम रूम मैच में। तो अभी कस्टम हमारा हो चुका है स्टार्ट बढ़िया तरीके से, और भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार। वैसे तो मुझे लगता है मैं जीतूंगा, बाकी अब देखते हैं। आप लोगों को पता है भाई, अब हर बार हम ही नहीं जीतते। नेट सही हुआ ना तो तब तो जीत जाएंगे यार, क्योंकि नेट सही रहेगा। अभी वैसे पिंग आप लोग देख सकते हो यार, पिंग एक बार देख लो आप लोग कितने के मेरे चल रहे हैं। भाई 300 से ऊपर ही के पिंग चल रहे हैं मेरे। फिर भी भाई चलो कोई बात नहीं, झेल लेंगे थोड़ा सा। चलो देखते हैं इस तरफ से। तो भाई एक बंदा जा रहा जिसको मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया, और नहीं भाई अभी तो छुप गया, और उसको भाई हेड, एक हेड लगा और बंदा डाउन। अभी इसकी वाली की बारी है, ये भी यहाँ पे मर चुका है। अभी लोग आप लोग देख सकते हो ये वाला राउंड तो हम बहुत ही आसानी से जीत चुके हैं। अभी बारी है हमारे दूसरे वाले राउंड की, और इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि भाई क्या होगा। भाई एक बार पीयूष ने हमको भाई कस्टम हरा चुका है, जो उस तरफ का आयुष है भाई वो पीयूष ही है, मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई एक बार पीयूष हमको कस्टम हरा चुका है, तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गेम, क्योंकि यार पीयूष को कस्टम हराना काफ़ी सही भी लगता है। अभी देखो मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, और फिर भी हम जीत जाए तो भाई कितनी बड़ी बात होती वो आप जान लो, और अगर भाई 07 से जीत जाए तो वो तो और भी ज़्यादा बढ़िया बात है। तो देखते हैं क्या होता है, अभी 07 से होता है या नहीं होता है वो तो भाई बाद में ही पता चलेगा। बाकी जीतने तो हम ही वाले हैं, थोड़ा नेट स्लो है आप लोग देख सकते हो मेरा, फिर भी बाकी हम काम कर ही देंगे अपना। अभी इधर से बंदा है अंदर की तरफ, आप लोग देख सकते हो रिवाइव दे रहा है भाई, वो उसको रिवाइव दे रहा है, पर हमको रिवाइव नहीं देने देना है भाई, कैसे भी करके रोकना है रिवाइव देने से उसको। और एक ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो भाई, इसको नीचे आने का वेट अपने को करना पड़ेगा कि कब नीचे आया और कब ये मारा जा आ चुका है भाई इधर। चलो ओपी राजा ने इसको फिनिश कर दिया, पर भाई मैं इसको रिवाइव लेने का मौका नहीं देना चाहता हूँ, मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, वरना यार पहले एक बार यहाँ पे ग्लू लगा के इसको फिनिश, वरना ये रिवाइव दे देता तो गड़बड़ हो जाती। अभी चलो देखते हैं किस तरफ से आएगा बंदा। ग्लू तोड़ रहा है वो, पर निकल नहीं पा रहा है। अभी देखो इधर से तोड़ रहा है। ओके भाई अभी थोड़ी सी जगह बन चुकी है, आप लोग देख सकते हो। और भाई बंदा फिनिश, मतलब देख रहे हो इतनी सी जगह से मैंने इसको मार दिया है। और MVP तो तुम्हारा भाई ही आने वाला है, MVP मैं ही आने वाला हूँ भाई, और किल भी अभी खासकर भाई मैं ही सबसे ज़्यादा कर रहा हूँ। थोड़ा सा नेट स्लो है बाकी, फिर भी यार अब आप लोगों को पता है एडजस्ट तो हम कर ही लेते हैं, एडजस्ट ही करना तो भाई ज़िंदगी का नाम है अपने, तो भाई वो सब तो अपन कर ही लेते हैं। और भाई अभी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार, थोड़ा जीत रहे हैं तो समझ रहे हो ना, वो भी काफ़ी सही लगता है अपने को एक बार। और पीछे चलते, चलो पीयूष उस तरफ से आ रहा, मैंने देख ली उसकी ग्लू बॉल। ओके भाई वो यहाँ की तरफ से, आप लोग देख सकते हो अभी आ गया भाई, वो यहाँ आ गया। डैमेज मैंने थोड़ा डैमेज दिया है भाई, मैं रस मार रहा हूँ, ग्लू मेडी लगाएगा वो। और यहाँ भाई सेकेंड वाला बंदा था उसका, जिसको भी हमने फिनिश कर दिया। पीयूष की बारी भाई, पीयूष की बारी, कैसे भी मुझे ग्लू के अंदर घुसना पड़ेगा। अभी देखो आप, और भाई देखो आप लोगों ने मैंने कहाँ से मार दिया यार, ग्लू के अंदर बिना घुसे ही थोड़ी सी जगह मुझे मिली और मैंने उससे मार दिया। भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई ग्लू लगाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना गोली चलाना इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई कस्टम में जो ग्लू बॉल ज़्यादा लगाता है ना वो देख लो भाई, फिर यही होता है आप लोग जो ग्लू ज़्यादा लगाता है भाई, मैं साफ बता रहा हूँ। देखो ग्लू मैं भी लगाता हूँ पर उतनी नहीं भाई, मैं सिर्फ काम के वक्त। अभी देखो भाई मैंने उसको थोड़ा डैमेज दे दिया, पर भाई एक बंदे की मुझको उम्मीद है कि वो पीछे से आ सकता है, एक बंदा भाई, क्योंकि इनका पीछे से आ रहा होगा, एक यहाँ से लड़ रहा है एक पीछे से। और देखो भाई बिल्कुल सही था मैं भाई, आने से पहले मैंने बता दिया था कि पीछे से आ रहा है, मतलब समझ लो। और भाई देखो मेरा माइक वगैरह सब बंद है, तो वो सब आप देख सकते हो कि भाई मुझे एक मैं गेस कर लिया था मैंने कि पीछे से आएगा वो एक बंदा। और चलो जो कि अभी काफ़ी सही हो चुका है कारबार, और वो उसको रिवाइव देने जा रहा होगा, तो मैंने इसको किल फिनिश कर दिया है, जैसे कि भाई रिवाइव भी इसको ना मिल पाए। अभी देखते हैं भाई, एक ने भाई पीयूष ने हमारे ओपी राजा भाई को डाउन कर दिया है, उसको भी भाई मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया है, तो भी देखते हैं भाई उतने डैमेज में नहीं भाई नहीं इतने में भी वो अपने पे रस मारने को तुला है, पर मैं रिवाइव की सोच रहा हूँ, और हो सकता है भाई मैं रिवाइव कंप्लीट भी कर दूँ। ओके भाई मैंने रिवाइव कंप्लीट कर दिया ओपी राजा का, भी आप लोग देख सकते हो कि हम इतने हो चुके हैं। और भाई नीचे थोड़ी सी जगह तो मैं ग्लू से पैक कर लेता हूँ, वरना भाई वो नीचे से मार देगा अपने को। चलो ओपी राजा हेल्थ लगा रहे, तब तक मैं एक रिपेयर किट मार लेता हूँ, मेरी हेल्थ तो वैसे फुल ही आप लोग देख सकते हो, तो अभी मुझे हेल्थ की कोई ज़रूरत नहीं। और जल्दी से ग्लू खुले और भाई हम दो जन मारे उसको मिलके भाई अकेले वो। और भाई ओपी राजा थोड़ा सा डैमेज मैंने पीछे से दिया, पर इसने ग्लू बॉल से पैक कर लिया खुद को। इस तरह से जगह भाई, अरे यार इसने ओपी राजा को मार दिया, पर भाई हमको नहीं मार पाएगा ये। अभी देखो आप कितना भी भाई ये कोशिश कर ले, ग्लू बहुत लगाता है यार ये, ग्लू बॉल बहुत लगाता है पीयूष का, और मेरा जब भी कस्टम होता है ना आप लोग पिछली वीडियोज़ में भी देख सकते हो कि ग्लू बहुत ज़्यादा लगाता है। मतलब देखो
वो ग्लू लगा लगा के मार रहा हमको, हम बिना ग्लू लगाए मार दे रहे उसको। पर भाई अभी अपने को मेडी लगाने की ज़रूरत है। हम ग्लू तो नहीं लगाते पर मेडी तो ज़रूर से लगाएंगे भाई, क्योंकि यार ये रिस्क अपने को लेना नहीं। एक मेडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी वाली और मैं लगा लेता हूँ अभी जल्दी से यहाँ पे खड़े होके। चलो दूसरी मेडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है और जोन आ चुका है अभी, आप लोग देख सकते हो। और वो भाई सामने से गोली मार रहा है अपने को, अब तो जाएगा ये। बस एक गोली का बच रहा होगा भाई, और देखो इसको मैंने मार दिया। तो अभी हम जीत चुके हैं बिल्कुल 4 राउंड, आप लोग देख सकते हो 4 राउंड जीत चुके हैं। और मैंने भाई इस बार भी शायद से डबल किल ही मारे हैं, तो आप लोग देख सकते हो वो कितना सही है यार। मैं हर बार डबल किल मार रहा हूँ और ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई ये ग्लू वॉल प्लेयर है। अभी भाई मेरा थोड़ा सा पिंग हाई हो रहा है, आप लोग देख सकते हो यार, ज़्यादा ही कुछ हाई हो रहा है। ग्लू नहीं लग रही है समय पर, और कभी एकदम से लग जाती है, मतलब जब टैप कर रहा हूँ तब नहीं लग रही, और भाई एकदम से ग्लू लग रही है अपनी। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यार अपने साथ। बाकी इसको देखो मैंने हेड मारा और काफ़ी ज़्यादा डैमेज मारा, फिर भी इसको लगा नहीं होगा, मुझे यकीन है भाई इसको लगा नहीं होगा डैमेज, क्योंकि यार यही सब गड़बड़ अपने साथ हो रही है नेट की वजह से। देखो फिर से उसने डैमेज दिया उधर से, और ये देखो भाई ग्लू ही नहीं लगी, मतलब देख रही हूँ भाई आप लोगों के सामने बिल्कुल। मैंने भाई कुछ कट वगैरह कुछ भी नहीं किया भाई, आप लोगों के सामने पिंग भी, आप लोगों के सामने कि कितने हाई पिंग है मेरे, ग्लू नहीं लगी भाई मेरे टैप करने के बाद भी। तो यार उसकी वजह से हम मर चुके हैं वो वाले। एक राउंड भाई ये जीत चुके हैं, वरना मैं तो 0-7 से हरा था इनको, पर यार वही थोड़ा सा अपना ग्लिच हो गया नेट का, इसलिए भाई ये जीत चुके हैं। पर इस बार तो भाई बिल्कुल भी नहीं जीतने वाले हैं, इस बार तुम क्या करोगे भाई देखते हैं। इस बार भाई कर लो जो करना है तुमको, इस बार हम हरा ही देने वाले हैं तुमको भाई, कुछ भी हो जाए। और ओपी राजा तो अपने मस्त बढ़िया तरीके से उस तरफ से जा रहे हैं, और हम आगे से जाएंगे भाई, हमको पीछे से नहीं जाना इस बार। ओके भाई मैंने एक को हेड मारा है, ये पीयूष को, भाई पीयूष ही है जिसको मैंने हेड मारा है। ओके अभी भाई ये मारने की कोशिश, ओ भाई पीछे से भी कोई डैमेज दे रहा है यार, ये क्या मजाक है भाई, मुझे नॉक कर दिया यार पीछे से भी डैमेज देखिए तो काफ़ी गलत बात है। वो एक बंदा भाई पीछे से मार रहा है मुझे। चलो हमारे ओपी राजा ने भाई उसको मार दिया, और यहाँ पे पीयूष है जो कि जाएगा अभी ओपी राजा से लड़ने, और भाई ये भी मर चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला राउंड भी हम बहुत ही बढ़िया तरीके से जीत चुके हैं। हम अभी जीत चुके 5 राउंड और वो जीते हैं 1 राउंड, तो भाई हमको अभी भी जीत के लिए चाहिए 2 राउंड। और आप लोगों को क्या लगता है भाई कमेंट में बता दो यार, कमेंट बॉक्स खाली छोड़ देते हो भाई, वीडियो देखते हो और कमेंट नहीं करते हो यार, ये तो काफ़ी गलत बात है। कमेंट में बता दो बस, थोड़ा एक्सपेक्टेशन बता दिया करो बीच में से कि भाई कौन जीतने वाला है। वैसे जीतने तो मैं ही वाला हूँ, मेरा ही नाम ले दो आप लोग सही हो जाओगे, राइट जाएगा आपका आंसर। चलो अभी देखते हैं भाई, उस तरफ से 2 बंदे हैं और ओपी राजा अकेले हैं, और भाई मैं भी वैसे अकेला ही हूँ, मैं इधर की तरफ हूँ, मेरे को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डैमेज दे दिया है भाई। मुझे ओपी राजा की प्रोटेक्शन भी करनी चाहिए, ओपी राजा मर चुके हैं भाई, अब मुझे करना है देख लो आपके सामने है 1v2। तो एक को तो मैंने मार दिया भाई, मैं सोच रहा हूँ उसको पूरा फिनिश कर देता हूँ, रिवाइव ले लेगा तो भाई मेरा हारना तय है समझ लो। एक बंदा यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर रहा है, करना क्या चाहता है ये बंदा, भाई रिवाइव देने वहाँ गया बता ग्लू लगा के। और इतने में हम यहाँ से निकल गए, मैं इस तरफ को आऊँगा, और देखो मतलब आज ना मेरी किस्मत भी इतना साथ दे रही थी ना गेम में, कि बोल रही थी कि आयुष भाई तुम इसको 0-7 हराओ भाई, वो तो नेट ने धोखा दे दिया, और ना भाई किस्मत भी 0-7 करने का बोल रही थी। और भाई गरीना वाले आज ज़्यादा ही कुछ मेहरबान थे मेरे ऊपर, मतलब जहाँ से सोच रहा था यार बंदा वहीं से आ रहा था, मतलब उस बंदे की स्ट्रेटेजी मेरे दिमाग से भाई बहुत पीछे थी भाई, मैं खरगोश था वो कछुआ था भाई स्ट्रेटेजी के मामले में मेरे सामने वो। तो चलो भाई अभी देखो पीयूष इस तरफ से आ रहा, बढ़िया अपनी ग्लू लगा के, हम भी ग्लू लगाते हैं पर उतनी नहीं भाई उतनी नहीं। देखो एक हेड लगा इसको, मुझे अच्छे से याद है एक हेड लगा, और भाई अच्छा खासा मैंने डैमेज दे दिया। और हमारे ओपी राजा भाई फिनिश हो चुके हैं, ओपी राजा को इस बार भाई एक के अंकित भाई ने मार दिया है, तो कोई बात नहीं भाई हम तो हैं अभी, ओपी राजा चले गए बाकी हम बाकी हैं। तो देखो अभी क्या करता हूँ मैं इसके साथ, पीयूष को तो निपटा ही देने वाला हूँ यार मैं, मतलब पीयूष और यार अब ये बंदा इधर से आ गया, अगर पीयूष पीछे से अब मारेगा तो गड़बड़ हो सकती है। ओ भाई दोनों ने मिलके मारा यार, देखो आप लोगों के सामने दोनों ने मिलके मारना, वरना भाई ये अकेला एक अकेला तो मुझसे नहीं जीत सकता था यार, दोनों ने मिलके मारा है मुझे, और भाई इनका बदला इनसे लिया जाएगा। चलो ओपी राजा को मैं दे देता हूँ, वुड पेकर मांग रहे हैं ओपी राजा, तो चलो अपने पास पैसे ज़्यादा हैं भाई, तो ओपी राजा को वुड पेकर दे के मैं मेरी वही गन ले लेता हूँ जो मैं हर बार चलाता हूँ आप लोगों को पता है। और भाई कोई कोई कमेंट बोलता भाई MAC-7 नहीं चलाना चाहिए कस्टम में, भाई मैं देखो MAC-7 में हर गन चलाता हूँ यार, कस्टम कस्टम होता है और भाई अपन इन्जॉय के लिए खेलते हैं, फिर हर गन चलानी चाहिए। वैसे तो भाई M10 भी मैं चला सकता है यार, M10 भी काफ़ी सही लगती है। और देखो मैं ज़्यादातर भाई यही चला रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो आज ज़्यादातर मैं भाई किंगफिशर ही चला रहा हूँ, बाकी अभी MAC-7 बस क्लोज के लिए चलाता हूँ मैं। वैसे M10 भी चला सकता हूँ, बाकी भाई वो मुझे मना नहीं करते MAC-7 चलाने से, इसलिए मैं MAC-7 चलाता हूँ। बाकी आप लोगों के साथ कभी कस्टम होगा अपना तो फिर नहीं लेंगे MAC-7। अभी देखो उस तरफ एक बंदा है भाई, उस तरफ एक बंदा मैंने देख लिया भाई, पीछे से आने की पूरी इनकी गुंजाइश मुझे दिख रही है। एक भाई मुझे दिख चुका पीछे से आ रहा है, आने दो इसको, और ये रहा
और भाई एक सेकेंड, मतलब मैंने इतना डैमेज दिया, ये मरा क्यों नहीं यार? आप लोग कमेंट में बताओ भाई, यहाँ पे क्या ग्लिच हुआ? मतलब मैंने इतना डैमेज दिया उसको, ये मरा क्यों नहीं? ये यार मेन गड़बड़ी वाली बात है। ओपी राजा रिवाइव मत दो मुझे, मैं बता रहा हूँ रिवाइव मत दो मुझे, मर जाओगे। देखो भैया मैंने बोला था रिवाइव मत दो भाई, ओपी राजा को रिवाइव नहीं, पर यार हमारा माइक बंद है, उनको कहाँ ही सुनाई देने वाला था। कोई बात नहीं भाई, चलता है यार, पर उन्हें रिवाइव नहीं देना था यार, क्योंकि वहाँ पे वो बंदा रिवाइव दे चुका था और भाई उनको लड़ना था ओपी राजा को। कोई बात नहीं भाई, अभी ये इसी में फाइनल कर देते हैं, ये वाला राउंड अब फाइनल हो जाने वाला है इनका, बहुत देरी हो गई है इनकी। अब नहीं छोड़ने वाला हूँ भाई, मैं अब नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये गारंटेड बोल रहा हूँ मैं। अभी देखो आप लोग, इस तरफ से एक बंदा आने की गुंजाइश में है, तो आ जा भाई, आ जा, तू मरेगा, तू मरेगा, मैं 100% कह रहा हूँ मरेगा तू। ओके मैंने यहाँ एक ग्लू लगा दी है, वो बंदा भाई आगे की तरफ छुपा इस टावर के पास। एक ने मुझे पीछे 150 का मारा, फिर भी मैं रस मारूंगा। देखो भाई इसको बोलते स्ट्रेटेजी, मतलब 150 का लगता तो कोई सबसे पहले मैडी मारता। और देखो मतलब ये सोच रहा था कि 150 का मारा मैंने AWM से तो मैं ड्रेस करके जीत ही जाऊंगा, पर इसको क्या पता कि भाई इसका भी पंगा आयुष से है। तो ठीक है भाई लोग, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने देखा हमारा कितना बढ़िया तरीके से हुआ भैया, थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी आपको भी मज़ा आया हो देखने में, तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नए तो फिर जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी और वाले नए कस्टम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।